Hello everyone, this is Ashish Jain. This is a continuation video on income from other sources. देखिए लास्ट वीडियो में हमने गिफ्ट तक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे जो कि कवर होते हैं सेक्शन 56.2। लेकिन सेक्शन 56.2 के दो पॉइंट कवर हमें और बाकी हैं जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए और आज हम ये चैप्टर इसी वीडियो में फिनिश कर देंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेस मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ सच शेयर वेयर शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। क्या मतलब है उसका, अगर कोई कंपनी अपने शेयर इश्यू कर रही है मोर देन दी फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन दी फेयर मार्केट वैल्यू देन दी एक्सेस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, बट यहाँ पर आपको एक और कंसेप्ट देखना है कि टैक्स लेवी कब हो रहा है और टैक्स एक्टेड कब हो रहा है, इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ देखिए मैंने एग्जाम्पल दिखाया, देखिए फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 100, इशू प्राइस कितना है 110, फेस वैल्यू कितनी है 10 एंड इशू प्राइस कितना है 110। दैट मीन्स अब यहां पर क्या होगा, ये टैक्स एट्रैक्ट हो जाएगा कि हाँ अब टैक्स लग सकता है, लेकिन टैक्स इस पर नहीं लगेगा। टैक्स किस पे लगेगा, व्हेन द इशू प्राइस एक्सीड फेयर मार्केट वैल्यू। देखिए फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 120, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 120 है, तो दैट मीन्स अब यहां पर टैक्स लेवी नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल, फेस वैल्यू कितनी है 100, इशू प्राइस 130, जब इशू व्हेन द इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू देन देयर विल बी अट्रैक्शन ऑफ टैक्स एंड वेयर द इशू प्राइस इज मोर देन फेयर मार्केट वैल्यू देन देयर विल बी टैक्स लेवी। ठीक है, तो दैट मीन्स 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो है टैक्स लग जाएगा। कौन सा टैक्स लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। थर्ड एग्जांपल देखो, फेयर मार्केट फेयर फेस वैल्यू कितने हैं 100, इशू प्राइस 98 विच इज लेस देन फेस वैल्यू। इसमें क्या होगा, अब आपका टैक्स एट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, यहाँ पर जब एट्रैक्ट नहीं होगा तो लेवी भी नहीं होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सी वेदर देर इज अ टैक्स अट्रैक्शन और नॉट। फर्स्ट कंडीशन देखनी है कि आपको टैक्स अट्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर हो रहा है देन नीड टू चेक वेदर देर विल बी टैक्स लेवी और नॉट। टैक्स लेवी कब होगा, वेन फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड इशू प्राइस। ओके, सो ये था आपका 9th पॉइंट अंडर सेक्शन 56.2। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज डिविडेंड। बहुत अच्छे समझना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका डिविडेंड। देखिए अगर डिविडेंड को अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखें तो डिविडेंड एक्चुअली में होता क्या है, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, अपने प्रॉफिट में से कुछ रेशो या कुछ पार्ट वो रिटेन प्रॉफिट यानी रिटेन अर्निंग होती है उनके अपने पास रख लेते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, एंड रेस्ट पार्ट वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर को, जिसको बोलते हैं हम डिविडेंड। यानी कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट अर्न कमाती है जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ पोर्शन जो है वो शेयर होल्डर में बांट देती है। ऐसा कंपनी करती क्यों है, देखिए कंपनी में शेयर होल्डर कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं। ओनर्स क्यों होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर जो हैं कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड इन रिटर्न दे वॉन्ट सम एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन की क्या होती है, सेट कि हमको एक अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, सो अगर कंपनी अपना जो भी कंपनी अपना प्रॉफिट अर्न करेगी अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी डिविडेंड को तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, द शेयर होल्डर विल स्विच टू अनदर कंपनी एंड इट विल इम्पैक्ट ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो इससे इस कंपनी को अपनी वैल्यू को रिटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कंपनी को अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट
जो है एज अ प्रॉफिट एज अ डिविडेंड उनको शेयर होल्डर को डिविडेंड करना, उनको जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, अब शेयर होल्डर के हाथ में क्या आएगा? डिविडेंड। अब इनकम टैक्स ने कहा इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग ऑल द शेयर होल्डर्स, इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग ऑल द शेयर होल्डर्स फॉर इनकम टैक्स वी विल कैप्चर ओनली द कंपनी। क्या मतलब है सर इसका? मतलब देखिए शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे होते हैं, एक ही कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। ठीक है, किसी के लाख होते हैं, करोड़ होते हैं, तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है सबके लिए कि भी हम सबके पास जा जाके टैक्स भी लें। ठीक है, इससे अच्छा है हम कंपनी को ही बोल देते हैं। जैसे देखिए अगर आप मान लीजिए सैलरी इनकम पर्सन हैं तो आपकी इनकम पे टीडीएस कट जाता है, बाकी जब आप आईटीआर फाइल करते हो रेस्ट इनकम पे आप टैक्स पेमेंट कर देते हो। यही सेम कंसेप्ट है यहाँ पर। इनकम टैक्स कहता है कि हम शेयर होल्डर को नहीं पकड़ेंगे, हम कंपनी को पकड़ेंगे। कंपनी इन डिविडेंड पे टैक्स काटेगी विच इज कॉल्ड DDT, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O। ठीक है, आई रिपीट, इनकम टैक्स क्या कहता है कि हम शेयर होल्डर को नहीं पकड़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी को पकड़ेंगे। एक रेट स्पेसिफाई कर देंगे दैट कंपनी नीड टू डिडक्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 115O। ठीक है, एंड देन जो भी अमाउंट रिमेनिंग से शेयर होल्डर के पास जाएगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1015। ओके, आई रिपीट, आफ्टर डिडक्टिंग DDT एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड दैट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1015। ठीक है, अब देखते हैं हम डिविडेंड आखिर होते क्या हैं और उसके टाइप्स कितने कितने हैं। देखिए तीन टाइम के आपके डिविडेंड होते हैं, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड। कंपनी लॉ में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, बट वहाँ पे हमने जो भी पढ़ा था वो हमने बेसिक इन द सेंस हमने ये पढ़ा था कि कानून कंपनी के हिसाब से प्रपोज डिविडेंड होता क्या है, कहाँ पर वो उसको प्रपोज करते हैं, ठीक है, कब करते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड, हमने वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ा था। बट यहाँ पर हम दिख रहे हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब तो वही है बट यहाँ पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड टैक्सेबल होगा तो वो कब टैक्सेबल होगा। ठीक है, सो जैसे प्रपोज डिविडेंड क्या होता है बेसिकली, वंस इट इज डिसाइडेड एंड प्रपोज इन AGM, आई रिपीट, प्रपोज डिविडेंड वंस इट इज डिसाइडेड एंड प्रपोज इन AGM दैट इज कॉल्ड प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, AGM में एक बार प्रपोज कर दिया देन देर विल बी नो यू टर्न, दैट मीन्स कंपनी ने जैसे ही AGM में पर उसको प्रस्ताव लेके आ गए कि हमें तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर को, देन देर विल बी नो यू टर्न, दैट मीन्स हो सकता है कि कंपनी जो है पहले आज मान लीजिए आज कंपनी AGM में लेके आते कि हमें जो कंपनी को शेयर होल्डर को 10% जो है डिविडेंड देना है। अब मान लीजिए अगले साल मान लीजिए जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ कंपनी ने देखा अरे नहीं हमारे पास बहुत इतनी बढ़िया प्रोजेक्ट आया है, हमें तो उसमें जो है इन्वेस्ट करना था, तो अब कंपनी क्या कर सकती है कि जब एक बार आपने प्रपोज डिविडेंड एक बार आपने प्रपोज कर दिया एंड आपने डिसाइड कर दिया कि नहीं हमें तो शेयर होल्डर को इतना परसेंटेज हमें डिविडेंड देना है, तो कंपनी उसको वापस नहीं ले सकती है। ठीक है, सो देखिए कंपनी क्या करती है, कंपनी आज AGM में डिसाइड करेगी बट देगी कब, इन फ्यूचर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो दे दी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कंपनी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टैक्सेबल कब होगा, ऑन अक्रूअल बेसिस, अक्रूअल बेसिस इन द सेंस जब ये प्रपोज लेके आए कि ऑन दिस डेट द कंपनी विल पे डिविडेंड। देखिए जब मिला तब नहीं, अक्रूअल बेसिस पे हो रहा है, दैट मीन्स अगर AGM आज हो रही है तो आज के दिन ही वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए मार्च में कंपनी ने AGM डिसाइड करा
तो मार्च के प्रीवियस ईयर में ही, ठीक है, जैसे मान लीजिए मार्च 2020 में कंपनी ने प्रपोज डिविडेंड लेके आए, तो दैट मीन्स इन द प्रीवियस ईयर 1920 इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स। मिला कब? मई में मिला, तो मई में नहीं होगा ये अक्रूअल बेसिस चलता है, ठीक है, बिकॉज ये प्रपोज डिविडेंड है, यहाँ से कंपनी वापस नहीं जा सकती, देना ही पड़ेगा, तो डिसाइड ही होगा इतना ही देना है, तो ठीक है। तो इसमें कहता है टैक्सेबल कब होगा शेयर के में? ऑन अक्रूअल बेसिस। नेक्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड। देखिए इंटरिम डिविडेंड बेसिकली होता क्या है कि कंपनी जो है श्योर नहीं होती कि हमें आगे कितना प्रॉफिट होगा या कितना नुकसान होगा, उनको नहीं पता होता। वो तो देखिए एट दी प्रेजेंट सिचुएशन देखती है कि हाँ ठीक है, हमने फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी शोर मचाना शुरू करती है कि देखो हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया, नाउ वी वांट टू डिसाइड, नाउ वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट सम शेयर और पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू दी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, ठीक है, तो शोर मचाने के लिए करती है। लेकिन कंपनी को ये भी पता होता है कि हो सकता है आने वाले टाइम में या फिर उसी साल में कंपनी के पास बहुत बड़ा एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए जहाँ पर कंपनी जो है हो सकता है इन्वेस्ट करना पड़ जाए, तो कंपनी वहाँ से यू टर्न ले सकती है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर टैक्सेबल का होता है ऑन कैश बेसिस, क्योंकि कैश बेसिस है, क्योंकि इंटरम डिविडेंड यू टर्न बेसिस है, पता नहीं मिले ना मिले, तो जब मिलेगा बस तभी टैक्सेबल होगा। लेकिन प्रपोज डिविडेंड में क्या है, यहाँ से कंपनी यू टर्न ले ही नहीं सकती, तो ये तो अक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल होगा। ओके सो आई थिंक आई नो आपको श्योरिटी होगी लाइक व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरम डिविडेंड। नाउ थर्ड वन इज डीम्ड डिविडेंड। देखो डीम्ड डिविडेंड आप कंपनी नो में इसको कहीं आप पढ़ोगे नहीं, बिकॉज इसका कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड ही है। यहाँ पर ये डीम्ड डिविडेंड इन द सेंस कि कंपनी ने गवर्नमेंट के साथ ऐसे ऐसे खेल खेले, क्योंकि आप देखो प्रपोज डिविडेंड हो तब भी कंपनी को टैक्स देना है, मतलब DDT काटना पड़ेगा शेयर के हाथ से, इंटरिम डिविडेंड है तब भी, चाहे वह अक्रूअल बेसिस हो चाहे कैश बेसिस हो, तो यहाँ पर जो है शेयर होल्डर बड़े परेशान रहते हैं कि यार हमें तो इतना हैवी DDT टैक्स कट के मिलता है, ठीक है, तो समटाइम्स जो है शेयर होल्डर बड़े खुश नहीं हो रहे बातें, तो फिर वो सोचते हैं कि यार क्यों इन्वेस्ट करें इतना, ठीक है। सो उनको मोटिवेट करने के लिए ताकि जो है शेयर होल्डर्स जो है उसी कंपनी में स्टिक रहें, तो कंपनी करती है शेयर होल्डर को खुश करने के लिए दूसरे और तरीके अपनाती है ताकि शेयर होल्डर तक पैसा पहुंच जाए, लेकिन इसकी नज़र तो इनकम टैक्स पे भी रहती है। तो ऐसे गवर्नमेंट ने देखिए ये पांच तरीके ए बी सी डी ई, जैसे जैसे कंपनी ने गेम खेलना शुरू करा वैसे वैसे ही कंपनी ने अपना इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर ने अपने पेन उठाया और अपने लॉ में कानून में लिखते चले गए। देखिए आप सोच रहे होंगे सर इतना सारा इनकम टैक्स में मतलब बहुत सारे रूल हैं, इतने सारे रूल कैसे कैसे याद करेंगे? आप ये सोचिए कि ये रूल बनाए क्यों हैं, पकड़ने के लिए, चोरी को पकड़ने के लिए, तभी तो रूल बनाए हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स जैसे जैसे पब्लिक जो है या फिर जो इंडियन सिटीजन है इतने गेम खेलती है कि हमें इस तरह से चोरी करनी है, इस तरह से चोरी करनी है, उस तरह जो है लॉ में चेंजेस आते रहते हैं। तो देखो ये तो लोगों की वजह से ही लोग इतनी चोरी करते हैं, इसलिए हमें इतना सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सो एज पर सेक्शन 222 गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुए हैं कि अगर ये पांच केस होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222, ठीक है। तो देते हैं क्या है डीम्ड डिविडेंड। फर्स्ट इज सेक्शन 222A, क्या बोला इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंटेलिंग रिलीज ऑफ एसेट्स। दैट मीन्स कंपनी करना चाह रही है कि अपन कंपनी को पता है कि हमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कंपनी करती है यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए रिजर्व सरप्लस कितना है 12 लाख, फिक्स एसेट कितना है 10 लाख, तो कंपनी करती है इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड फ्रॉम दी रिजर्व एंड सरप्लस दे एक्चुअली गोइंग टू रिलीज सम फिक्स्ड एंड एसेट्स। मान लीजिए फिक्स्ड एसेट कितनी है 10 लाख, कंपनी रियलाइज किया कि कंपनी के पास ऐसी फिक्स एसेट पड़ी है जो कि कंपनी के लिए यूजलेस है, सो कंपनी क्या करती है इसको सेल ऑफ कर देती है, एंड इससे जो जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इस पे ऐसा इसलिए किया कंपनी ने ताकि कंपनी को एक तो DDT काटना ना पड़े, प्लस शेयर होल्डर को इससे ज़्यादा ज़्यादा फायदा हो, ठीक है।
तो जब ये बाद में जब ये गेम बढ़ता चला गया तो इनकम टैक्स ने अपना पैन उठाया और रूल दिया, रूल के लिखा, मान लीजिए अगर ये एसेट जो रियलाइज कितनी हुई है, 8 लाख में हुई है, तो जितने में रियलाइज हुई 8 लाख के पूरा का पूरा जो डीम्ड डिविडेंड माने गए, कंपनी के हाथ में कितना है, 8 लाख रुपये, तो कंपनी तो 8 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी शेयरहोल्डर को, सो पूरा का पूरा 8 लाख रुपये जो है वो डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। और डीम्ड डिविडेंड माने जाने क्या होगा, पहले कंपनी के स्पीक क्या करेगी, एज पर सेक्शन 115O डिडेड करेगी एंड देन द रेस्ट अमाउंट विल बी हैंड ओवर टू शेयर होल्डर्स। वट इफ दीज एसेट्स ए रिलाइज एट ₹15 लाख, तब क्या होगा, तब आपने देखना पड़ेगा कि रिजर्व एंड सरप्लस में कितना अमाउंट था। देखिए रिजर्व सरप्लस में कितना अमाउंट है, 12 लाख, तो उससे ज़्यादा तो कंपनी तो वैसे भी शेयरहोल्डर को दे ही नहीं सकती ना, ठीक है। तो डीम डिविडेंड जो मानेंगे वो कितना मानेंगे, अप टू ₹12 लाख होने, ठीक है, उससे ज़्यादा तो कंपनी दे ही नहीं सकती शेयरहोल्डर को, ठीक है। सो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट दे रही है प्रॉफिट बाय वे ऑफ सेलिंग ऑफ एसेट्स, तो इसको इस तरह से डीम डिविडेंड मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 222B, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर्स और बोनस इशू टू शेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स। आपको ये पॉइंट देख के लग ही रहा होगा कि देखो कंपनी अपनी कितनी हद पार कर सकती है अपने शेयर होल्डर को उनका पोर्शन देने के लिए। कंपनी ने पता नहीं क्या क्या रास्ते अपनाए हुए हैं, मतलब आप देख रहे हो कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस होगा लेकिन कंपनी क्या दे रही है, डिबेंचर्स, और क्या दे रही है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे रही है, यानी कि कंपनी अपने ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट कर रही है डिबेंचर देके कि आप हमारे डिबेंचर ले लो। कंपनी तो अपने ऊपर लायबिलिटी बना रही है ना, एक तो कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस जब डिविडेंड जो है रिडीम होगा तब वो अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। प्लस ये देखो यहाँ देखो बोनस शेयर्स, वो भी किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, अभी सुना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस, इक्विटी शेयर होल्डर चलो मानते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस, कभी नहीं सुना होता। तो इस केस में बोला हुआ है कि अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू करती है या बोनस शेयर इशू करती है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो उस केस में सभी केसेस को क्या मानेंगे, डीम डिविडेंड एज पर सेक्शन 222B। ओके मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन 222C, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स ऑन लिक्विडेशन। दर ध्यान से देखिए, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, राइट हैंड साइड फिक्स एसेट, लेफ्ट हैंड साइड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस कितना अमाउंट है, 20 लाख रुपए है, ठीक है। हाँ तो देखिए लिक्विडेशन होता क्या है, कंपनी करती है अपनी सारी एसेट्स को रियलाइज कर देती है, ठीक है। मान लीजिए कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आया, मान लीजिए 50 लाख आया, तो कंपनी ने क्या करा, अपने क्या कहते हैं क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी 10 लाख, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने डिबेंचर्स पे कर दिए, मान लीजिए 20 लाख, ठीक है। अब नेट अमाउंट कंपनी के पास कितना बचा, 20 लाख। अब देखो कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी अभी भी लॉस में नहीं है, कंपनी तो अभी भी मुनाफे में चल रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंपनी मुनाफे में है फिर भी कंपनी लिक्विडेशन में आ रही है, और कंपनी जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, जो कि शेयर होल्डर का हक है इस प्रॉफिट पे अर्न करने का, ये तो शेयर होल्डर का हक होता है। तो कंपनी कर रही है कि ये 20 लाख रुपए दे रही है नेट अमाउंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपनी का कम यहाँ बोलती है, लोग क्या कहता है, इनकम टैक्स लोग कहते हैं कि पहले आपको रिजर्व सरप्लस में जितना भी अमाउंट बचा है पहले आप इसको नेल करो बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। नहीं करोगे तो देन विल बी इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। ओके नेक्स्ट वन इज सेक्शन 222D, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डर, डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स, सॉरी ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आप देख सकते हो कि कंपनी कौन कौन से रास्ते जो है अडॉप्ट करती है कि कंपनी को शेयर होल्डर को पैसा पहुंचाए किसी तरह से। देखिए एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कंपनी के पास टोटल कितने शेयर है, 20,000 है,
एक शेयर होल्डर उसके पास कितने शेयर हैं, 20,000 हैं, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 20 लाख। यानी कि मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आपके पास किसी कंपनी के 20 लाख के शेयर्स हैं, कंपनी क्या करती है आपको कि उसका अमाउंट 20 से 15 लाख रुपए कर देती है एंड आप ही के पैसे आपको 5 लाख रुपये वापस कर देती है। कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, कंपनी क्या करती है आपकी कैपिटल को रिड्यूस कर देती है बाय ₹5 लाख एंड 5 लाख आपको जो है आपको जो दे देती है शेयर होल्डर्स को। तो उस केस में इसको भी कंपनी नंबर इनकम टैक्स का कहते हैं दैट दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222D। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड रेट, बिकॉज आपको वो पॉइंट ई पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है आपको मुझे इसमें एक पॉइंट और समझाना है कि टैक्स लाइबिलिटी किसके ऊपर है और रेट क्या होगा। तो रेट पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि डिविडेंड रेट होता क्या है। देखिए डिविडेंड क्या होता है, कितना होता है, टैक्स रेट कितना है 15%, सरचार्ज उस पर लगता है 12% एंड सेस लगता है आपका 4%। अगर आप इसको कैलकुलेटर थ्रू करोगे तो कैसे करोगे, देखो 15% प्लस 12% प्लस 4% तो आपकी वैल्यू आएगी 17.47। बट दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ये है सर। ये कैसा आया स्टेप देखिए, देखिए 15% टैक्स है, सो 15 डिवाइड बाय 100 माइनस 15, ये इंक्लूसिव टैक्स रेट है। तो पहले तो आप इसको एक्सक्लूड करो एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, सो आपके पास ये वैल्यू देगी, देन ऐड 12% एंड देन ऐड 4%, देन यू विल गेट दिस वैल्यू दैट इज 20.552941%। दिस इज अ डिविडेंड रेट। कौन सा डिविडेंड रेट है, दैट इज जो आपका अंडर सेक्शन 115 में कंपनी जो है उसको डिडक्ट कर लेगी एज DDT। ओके, तो आपको बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये रेट कैसा आएगा। ठीक है, वैसे तो आप स्टेट अवे कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, अगर आपको टैक्स रेट याद है कि आपका टैक्स रेट ये है तो आप डाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट याद नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेट कैसे करना है, वो आपको करना है इस वजह से। ठीक है, 15 डिवाइड बाय 100 बाय 100 माइनस 15। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आप पढ़ते हैं इसको, सेक्शन 222E क्या बोलता है इसमें, लोन एडवांस बाय प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी टू इट्स सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स, यानी कि लोन या फिर कोई एडवांस पेमेंट हो रही है किसके द्वारा, प्राइवेट कंपनी दे रही है किसको, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स। सर ये सब्सटेंशियल शेयर होल्डर कौन होते हैं आगे देखेंगे पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, मीन्स कोई भी कम अगर कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी अगर शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देती है, अगर प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर्स को लोन या एडवांस देती है, कौन से शेयर होल्डर सर, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, दैट मीन्स शेयर होल्डिंग कितनी है, 10% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग प्लस वोटिंग राइट्स, अगर ये है तो उनको बोलते हैं सब्सटेंशियल शेयर होल्डर्स। तो दैट मीन्स कंपनी क्या कर रही है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड दे आर एक्चुअली पेइंग बाय वे ऑफ लोन एंड एडवांस। तो उस केस में इसको क्या मानेंगे हम, डीम्ड डिविडेंड एज पर सेक्शन 222A। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, मतलब कंपनी जो है हर तरीका बनाती है कि किसी तरह से शेयर होल्डर के पास पैसा पहुंचा दो। अब देखो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में तो कंपनी ने हद बार कर दी। देखिए कोई कंपनी है, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो देखिए फेल ही हो गया, कंपनी दे नहीं सकती इसको शेयर होल्डर को, क्योंकि पहले पॉइंट में कवर हो गया कि लोन एडवांस दे नहीं सकती डायरेक्ट शेयर होल्डर को। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने एक कोई अनदर फर्म एक कंपनी को अप्रोच किया, उसको लोन दे दिया। क्यों लोन दिया, ताकि ये कंपनी या जो भी कंपनी है या फर्म है वो इस शेयर होल्डर तक पैसा पहुंचा दे। ठीक है, बट मान लीजिए अगर ये, अब आपको ये सवाल होगा कि इस शेयर होल्डर का इस कंपनी से क्या रिलेशन है, इस शेयर होल्डर के इस कंपनी के पास, मान लीजिए ये कंपनी मानती है PQR लिमिटेड कंपनी है, मान लीजिए इस शेयर होल्डर के इस कंपनी के साथ PQR के साथ मोर देन और इक्वल टू
मोर देन और इक्वल टू 20% शेयर होल्डिंग है, मोर देन और इक्वल टू 20% शेयर होल्डिंग है, ठीक है। तो उस केस में इस लोन अमाउंट को क्या मानेंगे हम, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222A, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में देखिए कंडीशन यहाँ पर दो होगी, पहले तो जो शेयर होल्डर है वो इस कंपनी में, मान लीजिए इस कंपनी का नाम देता हूँ मैं ABC, पहले तो ये शेयर होल्डर है इस कंपनी में, उसकी 10% होल्डिंग प्लस वोटिंग राइट्स होनी चाहिए, प्लस जो कंपनी है ABC वो अप्रोच करती है PQR कंपनी को कि आप उसको जो शेयर होल्डर को आप क्या करो, हमारे पैसा पहुँचा दो किसी भी तरह से। तो अभी ये कंपनी ABC करती है PQR को लोन देती है, तो इस केस में PQR का और शेयर होल्डर का क्या रिलेशन है यहाँ पर, यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग कितनी है इसकी लेस देन और इक्वल टू 20%, ठीक है। तो उस केस में इस लोन अमाउंट को हम क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E, ठीक है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ देखिए, जब गवर्नमेंट देख रही थी कि हम टैक्स किस पे लगाएंगे, आप देखिए जाना अल्टीमेटली यहाँ पर जब डीम डिविडेंड माने मान ही लिया, तो देखिए शेयर होल्डर के हाथ में तो डिविडेंड आएगा कितना, मतलब आफ्टर नेट अमाउंट आएगा आफ्टर डिडक्टिंग डिडिटिंग, बट यहाँ पर देखिए टैक्स लाइबिलिटी आएगी किसके ऊपर, टैक्स लाइबिलिटी आएगी किसके ऊपर, पहले तो देखिए यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा इसके केस में, सेम इसके केस में, ठीक है। बट गवर्नमेंट ने देखा कि हम शेयर होल्डर को क्या पकड़ें, मेन तो यहाँ पर देखिए चोरी कौन कर रहे हैं अल्टीमेटली, चाहे पेमेंट शेयर होल्डर को मिल रहा हो लेकिन अल्टीमेटली चोरी कौन करा रहा है, कंपनी 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 डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कंपनी ने रास्ता अपनाया है कि नहीं हम तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, हम अलग तरीके से पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर को। तो कंपनी क्या करती है एक तरह से, सॉरी इनकम टैक्स क्या कहते हैं, इस तरह से उनको पेनल्टी पे करते, पेनल्टी के साथ मैंने हैवी टैक्स देना पड़ता है, कितना जिससे देखो सजा देखो दोनों को मिल जाती है, कंपनी को मिल जाएगी शेयर होल्डर को मिल जाएगी। यानी कि अगर कोई कंपनी सॉरी प्राइवेट कंपनी और शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 222E के साथ अगर वो जो है लोन या एडवांस मनी के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पर टैक्स रेट कुछ और हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा था टैक्स रेट कितना था, टैक्स रेट कितना था देखिए यहाँ पर 20.552941, बट अब कितना होगा 30.944। ये कैसा होगा, अब यहाँ पर टैक्स रेट जो है डबल हो जाएगा, कितना 30%, रेस्ट इज सेम। अच्छा यहाँ पर कैलकुलेशन इजी होगी, तो आप जब कैलकुलेटर करोगे 30 + 12% + 4% देन यू विल गेट दिस अमाउंट, दिस रेट दैट इज 30.944। ये भी जो है DDT आपका अंडर सेक्शन 115 के अकॉर्डिंग ही टैक्स रेट जो है डिडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर एक पेनल्टी लगाने के लिए कि आप अगर आप इस चोरी के हद तक पार करोगे तो हमारा भी टैक्स जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टैक्स लाइबिलिटी देखिए डिविडेंड पे केस होती है, कोई कंपनी है अगर कोई DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी को DDT डिडक्ट करना पड़ेगा एट दिस रेट। शेयर होल्डर को मान लीजिए 20 लाख रुपये मिल रहे हैं, 20 लाख रुपये का उनको जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कंपनी को, ठीक है। तो एग्जेम्पशन जो है 234 के अकॉर्डिंग कितनी लिमिट है, अप टू 10 लाख। शेयर होल्डर के हाथ में जितना भी अमाउंट आएगा नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग DDT, तो अप टू ₹10 लाख शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जेम्प्टेड, उससे अमाउंट ऊपर जितना भी होगा वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कंपनी को जो है 20 लाख रुपये जो है कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इस पर जब DDT कटा एट द रेट ऑफ दिस दैट इज 20.552941, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हुआ 15,89,000। ये मैंने अप्रोक्स अमाउंट लिखा हुआ है, तो एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा 10 लाख, दैट मीन टैक्सेबल कितना होगा 5,18,000, टैक्स रेट एप्लीकेबल कितना होगा 10% अंडर सेक्शन 115BDA, जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग होगा 115BDA, सेक्शन 115BDA एप्लीकेबल नहीं है किन पे, डोमेस्टिक कंपनी में या फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रस्टी यूनिवर्सिटी है या फिर कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ऐसा क्यों है,
आप देखो, देखिए अगर कोई भी इंडिविजुअल है, आप हो या मैं हूँ, मतलब हम चाहे कितना बिजनेस बिजनेस रन कर रहे हों या फिर हमारे कोई सैलरी इनकम पर्सन हो, तो इस केस में मान लीजिए अगर मैं खुद अगर डिविडेंड कहीं पे किसी कंपनी का डिविडेंड मेरे को मिल रहा हुआ 10 लाख रुपए से ऊपर मिल रहा हुआ, तो मेरी मतलब इनकम तो मेरी बहुत हाई होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट पता लगाना चाह रही है कि मेरी इनकम आ कहाँ से रही है, तो कंपनी इस पे जो टैक्स लगा देती है। ठीक है, तो दैट मीन्स जिसकी डिविडेंड 10 लाख से ऊपर है तो उसके पे तो एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं। यार देखो, पहले तो DDD पे करा, किस पे किस रेट पे 20.55 फॉर्मन पे, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा 5 लाख पे ये लगा दिया, टैक्स ऑन टैक्स हो गया यहाँ पर। ये तो टैक्स ऑन टैक्स हो गया, बोलते हैं यहाँ पर कास्ट कटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर तो जी हाँ, टैक्स रेट बिल्कुल डबल टैक्सेशन हो रहा है यहाँ तो। मैं यहाँ पर तो हर मतलब हर तरफ से शेयर होल्डर पिट रहे हैं अच्छे से, लेकिन यहाँ पर देखिए इनको छोड़ दिया, डोमेस्टिक कंपनी है। देखो आप, देखो डोमेस्टिक कंपनी कोई भी कंपनी होगी ऑब्वियसली वो तो किसी भी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, और वो हैवी अमाउंट करती है, करोड़ों रुपये करती है, तो उनके लिए 10 लाख रुपये तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए उनको जो है एग्जेम्प्ट कर दिया। सेम फॉर ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, बट यहाँ पर किसको पकड़ा हुआ है, कोई इंडिविजुअल हो, कोई अचीव हो, अगर उनका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट इन हैंड जितना आएगा, अगर वो 10 लाख से ऊपर हुआ तभी टैक्स होगा, अदरवाइज ऊपर अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 234। ओके भाई, देखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं इसका। मिस्टर जेड, रेजिडेंट इंडिविजुअल, 47 ईयर्स ऑफ एज, गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 2021। बिजनेस इनकम 15 लाख, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी से मिल रहा है, ऑन विच द कंपनी हैज पेड DDT अंडर सेक्शन 115(o). कितना मिला, 12,50,000। दैट मीन दिस, ये अमाउंट कौन सा नेट अमाउंट है आफ्टर डिडक्टिंग DDT एक्सपेंस इनकर्ड ऑन कलेक्टिंग सच डिविडेंड, दैट इज 12,500। लोन रिसीव्ड फ्रॉम ABC कंपनी लिमिटेड, इन विच मिस्टर जी ऑन 15% वोटिंग पावर, अमाउंटिंग रुपीज 3,20,000। देन LTCG ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, अमाउंटिंग रुपीज 18,60,000। तो देखिए, पहले तो बिजनेस इनकम है PGB में टैक्सेबल हो जाएगा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, 12,50,000 लेस 10 लाख, दैट इज टैक्सेबल अमाउंट इज 2,50,000। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन कलेक्टिंग सच डिविडेंड, दैट इज 12,500। देखिए, अगर कोई भी डिविडेंड को पाने के लिए या वो कोई भी उसको रिसीव करने के लिए अगर कोई खर्चा होता है, तो उस खर्चे पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। ऐसा क्यों? देखिए, डिविडेंड तो पहले ही एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034, सब पूरा का 10 लाख होते हैं, है तो सही। तो यहाँ पर इनकम टैक्स कहता है कि अगर जिस इनकम पे आपको ऑलरेडी एग्जम्पशन दे चुके हैं, उस पे आपको खर्चा क्यों खर्चा भी नहीं अलाउ होगा। ठीक है, चाहे वो पार्शली क्यों ना हो। ठीक है, तो इस केस में एक्सपेंस ऑन इनकर्ड ऑन इस पे जो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, देन जो लोन रिसीव किया ABC लिमिटेड से, उसमें मिस्टर जी की वोटिंग पावर कितनी है, 10%, दैट इज सब्सटेंशियल है यहाँ पर, बट मिला कितना यहाँ पर 320, विच इज़ लेस देन 10 लाख, तो ये अमाउंट पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, देन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये तो टैक्सेबल होगा ही होगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, PGBP पे कितना है, 15 लाख, LTCG 18,60,000। स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप जो है क्वेश्चन पहले अच्छे से नोट कर लेना, पढ़ लेना, उसके बाद सॉल्यूशन करना। PGBP 15 लाख, LTCG 18,60,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखिए, डिविडेंड कितना मिला 12,50,000 लेस एग्जेम्प्ट अमाउंट अंडर सेक्शन, यहाँ मैं लिख देता हूँ अंडर सेक्शन 1034, कितना एग्जेम्प्ट होगा, 10 लाख लेस हो गया, सो अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ, 2,50,000। लोन जब पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज उसकी वोटिंग पावर्स कितनी है, मोर देन 10%। ठीक है, तो जितना मिलेगा वो DDT कट के मिला होगा, क्योंकि उसको डीम डिविडेंड माना गया है। ठीक है, यहाँ पर चाहे आप लिख भी सकते हो सेक्शन, दैट इज मैंने लिखा हुआ है मैंने 222E, जो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो टोटल इनकम कितनी होगी यहाँ पर, 36,10,000।
तो देखिए इस पे टैक्स लाइबिलिटी कैसे करनी है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिवाइड दिस अमाउंट इनटू टू पार्ट, स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम की कौन कौन सी है, LTCG एंड डिविडेंड। LTCG पे 20% लगेगा, दैट इज 3,72,000 एंड डिविडेंड पे टैक्स रेट कितना है 10%, दैट इज 25,000। सो स्पेशल इनकम पे कितना टैक्स हो गया 3,97,000। नाउ कम टू नॉर्मल इनकम, एज पर स्लैब रेट ये अमाउंट आएगा, दैट इज 2,62,500। टोटल जो अमाउंट कितना आ गया 6,59,500। इसमें 4% सेस ऐड करेंगे, नाउ द टोटल टैक्स लायबिलिटी विल बी 6,85,818। ओके, सो ये था आपका सेक्शन 56(2). नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज 57। 57 क्या बताएं, डिडक्शन, यानी कि कौन सी डिडक्शन अलाउड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए, मतलब कौन सी इनकम को पाने के लिए आपको खर्च करने पड़ते हैं और कौन से खर्चे आपको अलाउड हैं। फर्स्ट वन इज फैमिली पेंशन। देखिए फैमिली पेंशन बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए कोई कपल है, अब मान लीजिए हस्बैंड की डेथ होगी तो फैमिली पेंशन किसको मिल रही है, वाइफ को, तो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। तो टैक्सेबल कितना होगा, हालांकि देखो उसको पाने के लिए कोई खर्चा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट यहाँ पर आपको एक जो है आपको डिडक्शन दे रही है। कितनी दे रही है, जितना अमाउंट मिला उसका 1/3 या फिर 15,000, विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन। ओके, सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, कितना होगा 50% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन। देन एनी काइंड ऑफ कमीशन रेमुनेशन फॉर रिलीजिंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट की भी है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए आप जो भी खर्चा कर रहे हो, ठीक है, कोई कोई भी खर्चा कर रहे हो तो उस पर आपको वो खर्चा जो है अलाउड होगा। ओके, फोर्थ पॉइंट, रिपेयर डेप्रिसिएशन इन द केस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी और फर्नीचर। जैसे आपको पता है अगर आपने कोई प्लांट मशीन या फर्नीचर अगर आपने रेंट भी दिया हुआ है, आपका बिजनेस नहीं, आप कभी कभी देते हो, तो वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। तो उसके ऊपर जो खर्चा, मान लीजिए उस पर्टिकुलर सेट आपने रिपेयर भी किया प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कौन सा रेट पे लगेगा, सेम एज पीजीबीपी, तो वो अलाउड होगा। तो ये था आपका सेक्शन 57। नाउ लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 58, दैट इज विच आर द एक्सपेंसेस दैट आर नॉट अलाउड, दैट मीन्स डिसअलाउड। फर्स्ट वन इज पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली बात है पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड ही होंगे। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड TDS नॉट डिडक्टेड, देन ऑन सच इनकम एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, अलाउड नहीं होगा, ठीक है। देन TDS डिफॉल्ट, मतलब आप कोई पेमेंट करने जा रहे हो या आपकी कोई ऐसी इनकम हो जिस पे आपने TDS ही पे नहीं करा या TDS आपने डिडक्ट नहीं किया, तो उस केस में जो भी खर्चा होगा वो अलाउड नहीं होगा। देन एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी एंड टेक्निकल फीस फ्रॉम अ फॉरन कंपनी, इस केस में भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। देन एक्सपेंसेस ऑन विनिंग ऑफ लॉटरी, अगर आप मान लीजिए आपने कोई लॉटरी खरीदी है, मान लीजिए आपने लॉटरी खरीदी है 50,000 की, आपकी लॉटरी लगी 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ पे ही आपकी इनकम मानी जाएगी, ठीक है, आपका जो है 50,000 टिकट है उस पर लेस नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये बात याद है ना, जो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा था लास्ट क्लास में हॉर्स रेस में, एंड ऑनिंग एंड मेंटेनेंस हॉर्स रेस, तो उस केस में ऑनिंग एंड मेंटेनेंस में उसको अलाउ करेंगे, ठीक है, बट यहाँ नहीं करेंगे। सो क्लास, दिस इज दी ऑल अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर टू योर ऑल योर फ्रेंड्स इन अदर कॉलेजेस। थैंक यू।